इंडिया चैनल में आपका स्वागत रहे हो। तो बिहार स्पेशल की श्रृंखला हम चालू किए थे। तो बिहार स्पेशल में हम प्राचीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में जो भी बिहार पीसीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो इसके पहले के वीडियो ना देखे हो देख लीजिएगा। रही बात तो प्राचीन बिहार के इतिहास में हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा था तो वो जानेंगे। तो बौद्ध धर्म पढ़ लिए थे। तो बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ था, जैसे ह्वेनसांग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, इसकी वृत्तांत TTU। तो एग्जाम में पूछ देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले ह्वेनसांग की यात्रा वृत्ति कौन थी, तो CCU। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जिसमें 139 देशों का विवरण मिलता है। तो ये सब पढ़ लिए थे और इसको हम नहीं रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप इसको पहले वाले वीडियो से देख लीजिएगा। तो असमर्णी बिंदु एक नज़र में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं और माई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो माई इंडिया आपके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिया है कि बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिए। इसके बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती मगध के प्रचार का केंद्र बनाया। उसके बाद बौद्ध धर्म अनात्मवादी, इसमें वह आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई पुनर्जीवन में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध करता है। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने तस्पुत मल्लिक नामक 200 सौदागरों जो बाजारों को अपना शिष्य बनाया। ये दोनों शूद्र थे। इस तरह बुद्ध ने उन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था, पहला एक हीनयान दूसरा महायान। इसके बाद हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका म्यांमार जावा आदि देशों में फैले हुए थे। उसके महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत चीन कोरिया मंगोलिया और जापान में हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान प्रचलित हुई जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र युक्त था, जिसका प्रमुख केंद्र भागलपुर बिहार, तो भागलपुर बिहार में है। इसकी अवस्थिति विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। संघ की सभा को प्रस्ताव पाठ प्रस्तुत होता, प्रस्तावना पाठ अनुशासन करता है तथा सभा को वैधता के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। तो इसके बाद बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। उसके बाद बौद्ध धर्म के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस उपवास में होते थे। बुद्ध ने पंचतीर्थ सिद्धांतों का वर्णन 6 दोंग उपनिषद में मिलता है। तो जो 20 हैं कोई बात नहीं, हम पूरा अंत में पहले ख़त्म कर दें क्योंकि बहुत लेंदी है बिहार का इतिहास। इसमें से आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे और बाकी और सब बुक हम डाल देंगे। तो 30 नंबर एकदम एग्जैक्ट यहाँ से आपको मिलेंगे। तो बिहार के इतिहास से बिहार स्पेशल 30 नंबर का पूछता ही है और हिस्ट्री वगैरह रहेगा तो ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे, तो आइए जैन धर्म की चर्चा करते हैं। तो जैन धर्म तो 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज के ब्राह्मणों में वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ, अब क्षत्रियों सहित नीचे 2 वर्णों में जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा का विशेष पर बल दिया गया। इसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव हुए और 23वें पार्श्वनाथ हुए, जबकि अंतिम व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो देता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे तो वो मिल जाएगा। उसके बाद जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान अस्पष्ट नहीं है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर हुए। जैन तीर्थंकरों ऋषि देव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
तो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमो का नाम किसमें मिलता है? ऋषभदेव में मिलता है। उसके बाद जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिसने सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इसके अनुयायी निर्गत कहा जाता है, तो इसके अनुयायी को निर्गत कहा जाता है। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। तो 24वें भगवान महावीर, तो पूछता है कि कौन किस नंबर के थे, तो 24वें भगवान महावीर, 23वें पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें भगवान महावीर स्वामी जैन। तो उसके बाद तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म तीर्थंकर ऋषिदेव अरिष्टनेव के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्होंने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अनुयायी निर्ग्रथ कहा जाता है। उसके बाद जैन के धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अंतिम और 24वें महावीर स्वामी याद करते रहिए, महावीर स्वामी जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम। तो महावीर का जन्म 540 वैशाली के कुंडल ग्राम। पूछता है कुल सिद्धार्थ प्रसिद्ध सिद्धार्थ के यहाँ हुआ, तो प्रधान सिद्धार्थ जो थे राजा उनके यहाँ हुआ, तो कुल प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। तो यहाँ पे तीर्थंकर और प्रतीक, तो पूछता है एग्ज़ाम में बीपीएससी में दे देगा, तो बीपीएससी में दे देगा कि जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक, तो तीर्थंकर और प्रतीक, तो ऋषभदेव प्रथम, बी जीतनाथ द्वितीय हाथी, इसके बाद संभा व नाथ तृतीय घोड़ा, उसके बाद शांति नाथ मतलब जो कि 16वें ही रण, अरिष्ट ने मी 22वें शंख, पार्श्वनाथ सर्प कर्ण, उसके बाद महावीर स्वामी 24वें सिंह है। तो महावीर स्वामी 24वें सिंह है। तो महावीर स्वामी का जन्म 540, तो पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम के गया तक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला व तिलक्ष्वी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और प्रियदर्शी इनकी पुत्री एवं जमाली प्रथम शिष्य इनका उनका दामाद था। इसके 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। तो 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या साधन के बाद 42 वर्षों की आयु महावीर को जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपातिका नदी के किनारे ताल वृक्ष के नीचे केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में 446 ईस्वी में हुई। तो महावीर की मृत्यु 72 400। तो कौन से ये तीर्थंकर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे, तो ये याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से चंपा नरेश दधी वाहन की पुत्री प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर के जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जबकि इन धर्म के ग्रंथ अर्ध भाषा में लिखे। इसके बाद संस्कृति का प्रयोग प्रमुख से हुआ था। जैन धर्म के अनुसार पुस्तक कल्प संस्कृति में लिखी गई। उसके बाद और आगे जैन संगीति, तो प्रथम सभा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। तो जैन सम प्रथम जैन संगीति कहाँ संपन्न हुई, तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व संपन्न हुई। जैन धर्म के प्रधान 12 भाग अंगों का संप्रदाय हुआ। उसके बाद यहाँ सभा स्थूल भद्र एवं सभूति विजय नामक स्थावरों का निरीक्षण में हुई थी। उसके बाद
इसके अनुसार धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बट गया। तो जैन धर्म भी बिहार स्पेशल का एक श्रृंखला है, इसको भी ख़त्म करेंगे। तो जैन धर्म चार वर्णों में प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के व्यक्ति प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय सहित नीचे दो वर्णों में जैन धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य अहिंसा सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थंकर तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ ऋषभ देव हुए और 23वें पार्श्वनाथ, जबकि अंतिम 24वें महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक बने। तो याद होना चाहिए। और आगे जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। तो जैन धर्म कैसे उत्पत्ति, इसका ज्ञान स्पष्ट नहीं है। तो उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को इस धर्म का प्रधान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद 24वें परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, दो तीर्थंकर ऋषभ देव। उसके बाद अष्टी नीम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिसने श्री सम्मेद शिखर पर कठोर तपस्या प्राप्त किया। इनके अनुयायी नीरग्रथ कहा गया। उसके जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको जाना जाता है। तो 24वें तीर्थ भगवान महावीर को वास्तविक तो एग्जाम में पूछ देता है कि कितने नंबर के थे, 24वें। तो UPSC तक का मैटर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, बस बने रहिए। उसके बाद महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला और तिलक्ष्मी राजकुमारी, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और प्रियदर्शना उनकी पुत्री। तो प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी और जमाली उनके प्रथम शिष्य थे। तो ये सब पूछता है, घुमा देगा इसी में, तो घूम जाइएगा। उसके 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक लगातार तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर जुमिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे के कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनकी माता पावापुरी 72 वर्षों की उम्र में 486 ईस्वी पूर्व में हुई। तो उनकी मृत्यु 72 वर्ष, तो 72 वर्ष तक जिए थे और 486 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके पानरेश दधिवाहक की पुत्री पहली जैन भिक्षुणी थी। इसके बाद जैन महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया, जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म के अनुसार पुस्तक कल्प संस्कृत में लिखी गई। उसके बाद जैन संगीत, तो प्रथम सभा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र है। तो बहुत बार पूछा हुआ है प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य संगत 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। पाटलिपुत्र कहाँ है, तो बिहार में है। इसके जैन धर्म का 12 भाग अंगों का संप्रदाय हुआ। यह स्थल स्थूल एवं स्तूप विजय नामक स्थावरों का निरीक्षणता में हुआ। इसके जैन धर्म में दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बट गया। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा हुआ था। तो बहुत आसान है। और आगे स्मरणितम, जिसे रिगार्डिंग पॉइंट कहते हैं, तो रिगार्डिंग मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिगार्डिंग पॉइंट। तो जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर हुए। पास द्वारा प्रचारित चार महाव्रत सत्य अहिंसा अपरिग्रह असत्य
बौद्ध धर्म में महावीर को निगष्ट नाथुल कहा गया। तो जैन धर्म के अनुसार छह द्रव्य जीव पद गल धर्म अधर्म आकाश और काल से निर्मित है। पास द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर ने पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। तो पार्स द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर ने पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। उसके बाद जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल कहा जाता है। तो जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। उसके बाद स्यादवाद, जैन धर्म से संबंधित स्यादवाद अनेकांतवाद तथा सप्तभिग को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। उसके महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, ये गणधर कहलाए। उसके बाद महावीर के जीवन काल में 10 गणधर की मृत्यु हुई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। तो उसके बाद जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करता है। तो जैन धर्म तो दे देगा कौन सा धर्म पुनर्कांड एवं पुनर्जन्म कर्मकांड में विश्वास करता है, तो जैन धर्म। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, तो क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। ओके, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी दिगंबर जैन दक्षिणी जैनी कहा गया। स्थूल भद्र ने अपने अनुयायी श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। मगध साम्राज्य, तो मगध, तो मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य भी खत्म होगा धीरे धीरे। तो मगध राज्य में प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम लेख महाभारत में मिलता है। सबसे पहले मगध राज्य के विषय में महाभारत से हमको जानकारी प्राप्त हुआ थी। मगध भी कोई साम्राज्य हुआ करता था। इसमें मगध के शासक राजा संघ का उल्लेख एवं भीम ने द्वंद्व युग में पराजित किया। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज्य का राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख किया गया। मगध प्राचीन से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था, जो एक के दक्षिण बिहार में स्थित है। तो ये दक्षिण बिहार में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो ये दक्षिण में स्थित है, इस रीजन में स्थित है। तो बिहार के दक्षिण में स्थित है। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक धर्म का विश्व केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा एवं दक्षिण में विंध्य पर्वत, उत्तर में गंगा दक्षिण में विंध्य पर्वत से मिलती है। पूर्व में चंपा से, तो पूर्व में चंपा, उत्तर में गंगा, दक्षिण में मगध जनपद, उत्तर में गंगा, दक्षिण में विंध्य पर्वत, और पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो से स्थित। उसके बाद मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी, जो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राज्य था पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो यहाँ पे मगध की राजधानी
राजगिरी जो पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके बाद कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना हुई। मगध की तात्कालिक शक्तिशाली राज्य कौशल वत्स अवंती उसके को अपने जनपद में मिला। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। प्राचीन मगध की इतिहास में भारतीय इतिहास बन गया और मगध साम्राज्य को उत्कर्ष करने में निम्न वंश की स्थापना रहा। तो थोड़ा सा दुधला पेज था, आ गया क्लीन पेज, तो क्योंकि PDF बनाते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है। तो बृहद्रथ, तो यानी बृहद्रथ, तो बृहद्रथ के विषय में चर्चा करेंगे। तो यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। तो कौन सा सबसे प्राचीनतम राज्य था, वंश था, बृहद्रथ। तो यहाँ भारत में पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता और चेरी राजू वत्स के पुत्र बृहद्रथ इस वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, इसमें राज बृहद जिसमें बृहद पुत्र उसके जरासंध प्रतापी सम्राट था। उसके बाद जरासंध ने काशी कौशल चेदी मालवा विदेह अंग बंग कलिंग कश्मीर गंधार के राजाओं को पराजित किया। जरासंध ने इस वंश की राजधानी वसुमती या राजक्रीवज या कुशाग्रपुर को बनाया। जरासंध ने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के शासक कंस से किया। तो किसने अपनी पुत्री की शादी मथुरा के शासक कंस से किया, तो जरासंध ने। तो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम से जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। इसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। उसके बाद बृहद वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। रिपुंज ने उसकी दरबारी पुत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। उसके बाद एक अन्य दरबारी मही ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। तो एक और दरबारी कौन था, मही ने पुलक को मारा और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश पूछ देगा कब से कब था, तो हर्यक वंश 545 से 412 ईसा पूर्व, यानी 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश। तो थोड़ा सा मोटा कर लें, ठीक है। तो हर्यक वंश 545 से 412, तो हाँ ये वाला सही है। तो हर्यक वंश 445 से 412, तो हर्यक वंश के विषय में चर्चा करेंगे। तो हर्यक वंश 445 से 412, तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंदुसार था। बिंदुसार स्वामी अथवा श्रेणी के उपनाम से जाना जाता था। अनुमानतः इसका राज्याभिषेक 545 ईसा में हुआ। तो यहाँ पे 545 ईसा में हुआ। उसके बाद बिंदुसार ने गिरिव्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक कौन थे, बिंबिसार अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उसके समय में कौशल का राजा प्रसेन अवंती के चंदोग्रोथ शासक बनाए थे। उसके बाद इस वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं। तो किस वंश को प्रीतिहंता वंश कहते हैं, तो मगध, अरे सॉरी यहाँ पे हर्यक वंश को। तो इस वंश को प्रीतिहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश का शासक
का वर्णन इस प्रकार है, तो बिंदुसार, तो बिंदुसार 544 से 492 ईसा पूर्व, 544 से 492 ईसा पूर्व, तो 544 से 492 ईसा पूर्व। तो बिंदुसार एक कूटनीतिज्ञ और पारदर्शी शासक था। उसके शासन में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। तो बिंदुसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। इसके बाद सबसे पहले उसने वैवाहिक संबंध, तो ये करता क्या था, तो मतलब हम आपको समझा दें कि ये और सब मार देते हैं, राजा कोई हुआ तो झगड़ा करके या कोई किसी अन्य तरीके से वो अपने राज्य को, ये काम का करता था, जो भी राज्य हड़पना है उस राज्य में अपनी शादी कर लेता था और दहेज के रूप में उसको मांग लेता था। तो बिंदुसार थोड़ा सा टेक्निक अलग रखा था अपने राज्य का प्रसार करने के लिए। तो बिंदुसार 544 से 492 ईसा, तो बिंदुसार एक कुटक तिग दूरदर्शी शासक था। उसके शासन काल में राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। तो सबसे पहले उसने वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी के साथ स्थापित किया। उसके बाद दूसरा विवाह तिलक्षवी गणराज्य के शासक चेतक, तो पहला तो पूछ देगा पहला, तो सबसे पहले उन्हें वैवाहिक संबंध राजा प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी के साथ स्थापित, दूसरा तिलक्षवी के राजा चेतक की पुत्री चेलना के साथ किया। इसके बाद तीसरा विवाह उसने मद्र देश पंजाब की राजकुमारी छेमा के साथ किया। तो ये तीन हैं। उसके बाद और देखिए कितना शादी करता है। उसने अवंती उज्जैन को शक्तिशाली राजा चंड प्रद्योत महासेन के साथ निर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों में ही मित्रता हो गई। एक बार जब चंड प्रयोग बीमार हुआ तो बिंदुसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवन को उज्जैन भेजा। उसने अंग राजा को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा नियुक्त किया। उसके बाद बिंदुसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी एवं संरक्षक था। उसके बाद विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन तीन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता बनी रही। तो उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म उनके पुत्र से उसकी बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहाँ उसका 993 ईसा पूर्व निधन हो गया। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को उत्तराधिकारी घोषित किया। भारतीय इतिहास में बिंदुसार पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। महावंश के अनुसार 15 वर्षों की आयु में सिंहासन पर बैठा। तो यहाँ पे 15 वर्ष की आयु में यहाँ पे बिंदुसार गद्दी पर बैठा। तो इसके बाद अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सेनी भी कहा जाता है। बिंदुसार ने राजवैद्य जीवन को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया तथा बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। इसके बाद अजात शत्रु तो प्राचीन भारत के इतिहास से भी क्वेश्चन आता है, तो बिहार स्पेशल से आता है। तो उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, उसके बाद पर्यावरण से एक दो क्वेश्चन रहेगा, पर्यावरण से एक दो क्वेश्चन, उसके बाद भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से एक दो क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से करीब, उसके बाद अर्थव्यवस्था के बाद संविधान से रहेगा, संविधान और करेंट अफेयर से रहेगा। तो करंट अफेयर से करीब आपको
10 या करीब करीब 20 कभी कभी दे देता करंट अफेयर्स के बाद। और देखिए याद नहीं आ रहा है तो हाँ, इसके बाद साइंस रहेगा, साइंस से करीब 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बिहार PCS आपका करीब 97+ आपको लाने हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व बिंदुसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुड़ी था। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरम उत्कर्ष पर पहुँचाया। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार वर्णक की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों को फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण करके अधिकार ने मल्ल अधिकार में कर दिया। उसके पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्व तो मैप जब ऐसे तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब तो नई आदत पप्पू। तो इसके पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े भूभाग मगध का अधिकार हो गया। तो पूर्वी पूर्व उत्तर, तो यहाँ पे पूर्व ये हो गया, ये उत्तर, तो इस राज्य में, तो पूर्वी उत्तर में एक बड़े राज्य मगध का साम्राज्य हो गया। तो अजातशत्रु ने अपने प्रतिद्वंदी अवंती राज की सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिराज वज्र राजगीर को नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण नहीं कर पाया, अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इस किलेबंदी का अवशेष आज भी देखा जा सकते हैं, तो देखे जा सकते हैं। यह धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माना जाता है। उसके बाद भरहूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर बुद्ध को वंदना करता हुआ दिखाया गया है। अजातशत्रु ने अपने शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, तो महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध का कहाँ है, तो कुशीनगर देवरिया में है, जो कि यूपी में पड़ता है। तो अजातशत्रु ने अपने शासक के 8वें वर्ष बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेष को राजगृह स्तूप का निर्माण करवाया। 483 ईसा पूर्व राजगीर की सप्त पौड़ी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। उसके बाद सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। 460 ईसा पूर्व उसकी पुत्र उदयनी तथा उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पे अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईसा पूर्व हो गया था। तो थोड़ा सा धुंधला पेज, फिर उसके बाद बढ़िया पेज। तो मेन आपको, क्योंकि होता है लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेन आपको मुद्दा मिल रहा है, एग्ज़ाम में हो जा रहा है, बहुत है दिखावा, तो बहुत चल रहा, थोड़ा सा अलग बनिए, क्योंकि अलग बनेंगे तभी आपको लोग जानेंगे कि नहीं ये अलग है, दुनिया से अलग चलिए। थोड़ा सा जैसे भीड़ इस दिशा में जा रहा है तो आप इस दिशा में चलिए, तो ये नहीं कि सही वे में चलिए, ऐसी बात नहीं है कि क्या है। तो आइए आगे चलते हैं। तो उदयन
उदयन 460 से 445 ईसा पूर्व, उदयन 460 से 445 ईसा पूर्व। तो यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व मगध के का राजा बना। बौद्ध ग्रंथों ने इसे प्रीतहंता, तो किसे प्रीतहंता, किसे प्रीतहंता, लेकिन जैन नानुसार प्रीतिभक्त कहा गया है। तो उदयन को बौद्ध ग्रंथानुसार प्रीतिहंता, लेकिन जैन ग्रंथों को प्रीतिभक्त कहा गया। इनकी माता का नाम पद्यावती था। तो उदयन शासक सब बनने से पहले चंपा का उप राजा था। तो उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उप राजा था। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया तथा उसकी राजधानी राजगीर को पाटलिपुत्र स्थापित की। उसके मगध के प्रतिद्वंदी राजा अवंती ने गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी। उसके बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयनी के तीन पुत्र, तो तीन पुत्र कौन कौन से थे, तीन पुत्र अनिरुद्ध, तो तीन पुत्र, तो इस प्रकार पहला अनिरुद्ध, दूसरा मंडक, तीसरा नागदशक थे। उसके बाद हर एक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिला के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति शिशुनाग राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंतिम और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व हुई। उसके बाद और आगे शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश 400 या में देता कब से कब था, तो 412 से 435 ईसा पूर्व, 412 से 435 ईसा पूर्व। तो देखिए, तो हर्यक वंश के बाद 412 से 435 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश ने शासक किया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। इसने मगध की सीमाओं और अधिकांश विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज्यों पर विजय की। इस समय वत्स एवं कौशाम्बी को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक काकवण था, जिसने अपने अल्प शासन काल में पाटलिपुत्र को मगध का अस्थायी राजा बना दिया। बाणभट्ट रचित हस्तचरित्र के अनुसार काकवण की राजधानी पाटलिपुत्र को घूमते समय महापद नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। तो किसने चाकू मारकर हत्या कर दी, तो महापद्म नामक व्यक्ति का। तो बाणभट्ट रचना हर्षचरित्र के अनुसार काकवण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, शिशुनागवण। तो इसके बाद महाबोधवंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए, जिसमें 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक शासन को में ही वैशाली के द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। उसके बाद नंदवंश, तो नंदवंश से भी क्वेश्चन आता है। तो नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व, 344 से 322 ईसा पूर्व। तो नंद वंश का शासक महापद्म नंद था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षत्रक एवं एक राट जैसी उपाधियों से विभूत किया गया। पुराणों ने उसे महापद्म एवं महाबोधवंश
में उग्रसेन को उसके महापद नंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय, तो कलिंग विजय था जिस में विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से ही जीत की मूर्ति उखाड़ लाया। उसके बाद हाथी गुफा अभिलेख में महापद नंद तथा द्वारा कलिंग के एक नहर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। तो महापद नंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्र शासक माना जाता है। प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति बनाया गया है। बिहार समग्र, तो यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन बिहार का इतिहास कह लिए, तो मेन जो भी बिहार में घटित घटना हुआ वही चर्चा किया जा रहा है। और रही बात तो प्राचीन बिहार कहिए या प्राचीन भारत कहिए, तो नंद वंश के कुल 9 शासक हुए जिसके अंतिम शासक घनानंद था। उसके बाद नंद वंश के सैन्य बल विशेषता हस्तसेना के कारण सिकंदर ने सैनिकों ने ब्यास नदी का तट पार करके करने से इनकार कर दिया, जिसके अनुसार सिकंदर भारत पर विजय अभियान अधूरा ही रह गया। उसके नंद वंश के राजा जैन धर्म को मानते थे। सकटार और स्थूलभद्र घनानंद जैसे मतावलंबी आमात थे। पाड़ीन उसके बाद पाड़ीन कल काल्यायन उसके दरुचि वर्ष एवं उपवर्ष जैसे विद्वान नंदों ने शासन में थे, तो शासनकाल में थे सॉरी। तो प्रमुख शासक एवं राजवंश शासक, तो हर्यक वंश, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, शिशु नागवंश, शिशु, कालाशोक, नंदवर्धन। नंद वंश तो महापदम, पड़ुक, पाड़ुंगति, भू उत्पाल, उसके बाद राष्ट्रपाल, उसके बाद गोविशक, तो उसके बाद दधि वधक, कैवर अर्थ, उसके बाद घना नंद। तो रिगार्डिंग पॉइंट या स्मरणीय बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे कहते हैं, तो वन लाइनर, तो बिहार की पूरा पाषाण काल संस्कृति के सापेक्ष मुंगेर और नालंदा जिलों का उत्खनन प्राप्त हुआ। तो बिहार के पूरा पाषाण कालीन संस्कृति में मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुआ। उसके बाद मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष भागलपुर एवं चिराज जिलों से मिले। उसके नव पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष बिहार, चिराज, सारण और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद चिराज से प्राप्त नव पाषाण काल के साक्ष के रूप में चमकदार प्रसाण उपकरण, अस्थियों तथा सिंहों से बने उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तन एवं टुकड़े प्राप्त हुए थे। उसके बाद ऋग्वेद में बिहार को कीकट क्षेत्र और यहाँ का शासक प्रेमगंध का उल्लेख, वायु पुराण में कीकट क्षेत्र और अपवित्र क्षेत्र माना गया है। उसके बाद वैदिक में बिहार संस्कृति का प्रमुख मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उसके प्रारंभ में मगध राज की राजधानी गिरिराज उरज राजधानी थी। यहाँ का शासक बिंदुसार हर्यक वंश था। उसके बाद बिंदुसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो दे देगा कि निम्न में कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो बिंदुसार, अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्य ने फूट डालकर अपनी शक्ति को कमजोर कर दिया और उस मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों एवं एक संघ था। इसमें विदेह यह ज्ञात्रिक, तिलच्छवी, कलिंग,
एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में इसे सत्र सर्वक्षत्रांक एवं एक त्रांक जैसी उपाधियों से विभुक्त किया गया है। इसके नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद 325 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में ये पेज पहले ही हो चुका है, रही तो फिर से रिपीट कर दें क्योंकि थोड़ा सा। तो बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास, तो बिहार सदियों तक प्राचीन गौरवमयी इतिहास का गर्भ गृह रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भारत का ऐतिहासिक वैभव क्षेत्र रहा। प्राचीन काल में ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश बिहार और सांस्कृतिक जीवन का निर्णय भूमिका रही। बिहार तो पूरा दिया हुआ कैसे कैसे था। तो पहले कोई भी देश होता तो सबसे पहले बिहार कैसा था, आज जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय बिहार कैसा था। तो बिहार का वर्णन दो महाग्रंथों रामायण और महाभारत में किया गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि ही विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। तो ये सब प्राचीन, मतलब आज से 125 साल पहले बिहार कैसा था, कि बिहार के विषय में कोई नहीं जानता था, कैसे तो कहाँ से मिलता वही सब दिया गया है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। और दूसरी ही बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार का ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्य साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत व अन्य स्रोत उपलब्ध है। प्राचीन शिलालेख, सिक्के, दान, ताम्र पत्र, राज काज संबंध, खाते बही, दस्तावेज, विदेशी यात्री यात्रा वृत्तांत, स्मारक आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में साहित्य स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण, जो 8वीं सदी ईसा पूर्व रचित शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण परवर्ती काल के विभिन्न पुराणों, आगंतुक निकाय, दीर्घ निकाय के साथ बौद्ध रचनाओं में, विनय पिटक, जैन रचनाओं में, भगवती सूत्र ग्रंथों से प्राप्त होता है। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को निम्न भागों में बांटा गया है। तो बिहार के इतिहास को पढ़ने के लिए यहाँ पे 6 भागों में बांटा गया, यानी पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर युग, बौद्ध कालीन महाजनपद काल। तो पूर्व प्रस्तर युग करीब 100,000 ईसा पूर्व प्रारंभिक युग, अवशेष काल कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी एवं संजय घाट में मिलते हैं। ये साक्ष्य जेठियन, मगध, मुंगेर, नालंदा में भी उत्खनन के क्रम से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मध्य प्रस्तर युग 1000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, इसके विशेषतः बिहार ने मुख्यतः मुंगेर प्राप्त हुए। इसने साक्ष्य के रूप में टुकड़ों से बनी वस्तुएं, तेज धार और नोक वाली औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नवपाषाण काल, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर से बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हड्डियों से बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार, चिराद और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग, तो इस काल में पाए जाने इस काल में पाए गए काले लाल मृदभांड समानता हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। उसके बाद बिहार में इस युग के अवशेष तारण, तो ताम्र पाषाण युग के अवशेष तारण, चेचर वैशाली, सोनपुर गया, उसके बाद मनेरी, ताम्रिक, बोधगया, घोड़ा कटोरा जो कि राजगीर में, समस्तीपुर, उसके बाद सासाराम, भागलपुर आदि में पाए गए हैं।
तो आइए आगे चलते हैं। वो पेज हो चुका था तो ये भी हो गया, तो कोई बात नहीं, दो बार तीन बार होता है तो इसमें प्रॉफिट आप ही का है। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पहले जो पढ़ाते तो वो है तो उसके पुराण, तो पुराणों में रचित लोक लोम हर्थ और उसके उग्रसवा माने जाते हैं। 18वें में अधिकांश पुराणों की रचना तीसरी चौथी शताब्दी में हुई। तो यहाँ पे आर्यों का नाम आर्य क्षेत्र में नामकरण, आर्य क्षेत्र में नामकरण, तो हरियाणा पंजाब क्षेत्र ब्रह्म महावर्त, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ब्रह्म महर्षि देश, हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश बिहार बंगाल आर्यवर्त। तो 18 पुराणों में मत्स्य वायु ब्राह्मण पुराण एवं ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। इस पुराणों में सुगवंशी शासक पूर्ण मित्र का वर्णन मिलता है, जिसमें 36 वर्षों तक शासन किया। इस पुराणों में उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासकों ने शासन की भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद महाभारत, तो मौर्य युगीन साम्राज्य में समाहित साम्राज्य में समाप्ति के बाद सुगवंश का प्रतापी राजा पूर्ण मित्र हुआ, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने उसकी वीरता कार्यकुशलता तथा यवनों पर आक्रमण का चर्चा अपनी महाभाष्य में की है। उसके मालविकाग्नि मित्र तो यह कालिदास द्वारा रचित नाटक है, जिसमें शूद्रकालीन राजनीतिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो उसके बाद कालिदास यवन आक्रमण की चर्चा करते थे, जिसमें पूर्ण मित्र के पुत्र अग्निमित्र ने सिंध पर आक्रमण कर यवन को पराजित किया था। उसके बाद थे रावली, तो इसकी रचना जैन लेखक मे तुंग ने की, उसके बाद जिसमें उदयनी के शासक बिंदावली हैं तथा पूर्ण मित्र शुंग के बारे में उल्लेख किया गया है। 36 वर्षों तक शासन किया। उसके दिव्यावदान, इसमें अनेक राजाओं की कहानी है। बौद्ध ग्रंथ में बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा गया। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, तो यह 5वीं सदी ईसा पूर्व संस्कृत व्याकरण का पूर्व ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थात, यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहासों और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो कौटिल्य यह मौर्यकालीन इतिहास के राजनैतिक का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो मनुस्मृति, सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना शुंग वंश काल में हुई। यह ग्रंथ शुंगकालीन भारत की राजधानी। उसके बाद सामाजिक धार्मिक दशा का बोध करता। मनुस्मृति का प्रमुख टीकाकार मोरुचि मेघातिथि गोविंद राय तथा कल्लू भट्ट है। यह टीकाकरण हिंदू समाज की विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो महाजनपद काल, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो उसके बाद बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 देता है एग्जाम में, 16 महाजनपदों का जो कि उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो जिसमें उल्लेख बौद्ध धर्म के ग्रंथ आगंतुक निषाद से मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में अंग मगध वज्जी बिहार में थे। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी 10 गणराज्यों में, इसके अलंग कप बुद्धि वैशाली के तिलचवी और मिथिला का भी विदेह बिहार के अंतर्गत आते हैं। अंग अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। भागलपुर के समीप सभ्यता इस हेन
सांग चेनप्पू पो कहता था अंग में कुल 25 राजा हुए, जिसमें पहला आर्य राजा ती तू ची था। उसके बाद लास्ट पेज और अंतिम है, इसके बाद फिर क्लोज कर देंगे। तो द्वितीय सभा, तो यह सभा देवर्षि छह माँ श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुआ। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन इसे लिपिबद्ध किया गया। बिहार और जैन साहित्य, तो बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का योगदान रहा है। इसके बाद इसके ग्रंथ में बौद्ध साहित्य के समान धर्म परक है। उसके बाद भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में चौथी सदी ईसा पूर्व इतिहास स्रोत प्राप्त हुआ है। उसके परिशिष्ट, तो लास्ट पेज है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि आवाज़ हमारी बैठ रही, कब एक घंटे बोलते बोलते हो गया है। तो परिशिष्ट पर्वत भद्रबाहु चरित्र, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि एनर्जी नहीं बचा है। तो थैंक्स।